अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी तरीके से तैयार होने वाला नेक डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप इसको घर में किस तरह इजीली स्टिच कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमने अपने गले जिस तरह का बनाना है उसके हिसाब से हमने बुकरम की कटिंग की है और उसके ऊपर हमने सेंटर में पीछे एक लाइन लगा दी। अब हमने पैच, जो कि हमारे एक्स्ट्रा कपड़े से हमने कटाव वाला हिस्सा लिया, उसको इस तरीके से अपने नीचे चेपी के ऊपर रख देंगे ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो ये इसके बिल्कुल इक्वल चिपक जाए बराबर। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमने एक लेयर को इसके ऊपर बिठा के उसके इस्त्री कर लेना है। प्रेस करने के बाद व्यूअर्स, हमने इसी स्टाइल से दूसरी लेयर को अपने बुकरम के ऊपर पहले इक्वल कर लेना है, उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रेस करके उसको फाइनल जोड़ लेना है। अब हम इसके साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, अब हम इसके किनारों को कटिंग करने के बाद हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि जब हम उसको दूसरी तरफ टर्न करें तो बहुत ईजिली ये मुड़ सके। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने कट लगा लिया। कट कर लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड पे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम इसके किनारों को चिपका देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। चिपकाने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब हम इसको 3 इंच चौड़ा और 6.5 इंच गहरा गले के निशान लगाएंगे, फिर इसको हम इस तरीके से लाइन लगा के कटिंग कर लेंगे बाद में। अब हम अपने शर्ट के उल्टी साइड पे इस नेक डिज़ाइन को रखेंगे व्यूअर्स इस तरीके से, और हम इसको ये जो हमने गले नेक डिज़ाइन की लाइन लगाई हुई है विषय में, इसके ऊपर सबसे पहले बखिया लगाएंगे। हमने अपने नेक डिज़ाइन को पिनों के साथ चिपका लिया है ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो ये अपनी जगह से सिरके ना। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसकी कटिंग करें। कटिंग करने के बाद नोक वाली जगह पे हम छोटे से कट लगाएंगे, इसके बाद हम अपने गले को टर्न कर देंगे सीधी साइड पे। तो व्यूअर्स देखें, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम इसको सबसे पहले ग्लू के साथ अपनी शर्ट के ऊपर चिपका देंगे, उसके बाद हम फाइनल एक बखिया लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको स्टिच कर रहे हैं इसी तरीके से, हम इसके किनारे किनारे पर स्टिच करते हुए इसको रेडी कर लेंगे। सो व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हम अपनी शर्ट के ही बॉर्डर के एक्स्ट्रा पीसेस से अपना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। अपने नेक डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स, हम इसके सेंटर में जोड़ के ऊपर सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर हमने बटन लगा दिया है। बटन लगाने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हुआ लेकिन बहुत ही ग्रेसफुल लुक दे रहा है। अब हम इसके दामन का डिज़ाइन बना लेंगे। व्यूअर्स, इसके ऊपर भी कटान बने हुए हैं, उसके ऊपर हम इस तरीके से कपड़ा रख के उसको उल्टा करके रखेंगे, यानी सीधी साइड को नीचे वाले कपड़े की तरफ करते हुए हम उस उल्टी साइड के ऊपर उसके बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। स्टिच करने के बाद व्यूअर्स, इसको हम हल्के सी कटिंग करके, कटिंग करने के बाद हल्के हल्के कट लगाएंगे। इसके नोकों पे हल्के हल्के इस तरीके से कट लगाने से जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये बहुत ही नीटली ब्यूटीफुल सीधा हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा भी। बस इसके बाद हमने वो जो पट्टी इसके ऊपर लगाई थी उसको टर्न करके प्रेस करने के बाद इसके ऊपर एक फाइनल बखिया लगा लेना तो हमारा दामन तैयार हो जाना। इसी पैटर्न से हमने अपने बाजुओं के आगे भी इसी तरीके से इसको स्टिच किया। स्टिच करने के बाद हमने 3 इंच का मार्जिन रखते हुए बटन टेक करा तो इसके ऊपर हमने अपने इसको कम्प्लीट कर लिया स्टिच।
कर लिया। स्टिच करने के बाद व्यूअर्स हमारा स्लीव डिज़ाइन तैयार हो गया। इसको हम बटन लगाएंगे तो ये कम्प्लीटली रेडी हो गया। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत इजी तरीके से बहुत ही ग्रेसफुल लुक दे रहा है। सब व्यूअर्स, बहुत इजी तरीके से हमने आप सूट स्टिच करके दिखाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर माई चैनल।